नसें सूख जाने से आया हुआ कान का तमाम प्रकार का बहरापन अब बिना मशीन बिना ऑपरेशन के मिटा के सुनने की क्षमताओं को बहुत अधिकतम बढ़ाने के स्पेशल शिविर कर्ण दोष निवारण केंद्र में लगाए जा रहे हैं। विश्व के कल्याण के लिए इस कार्य को बड़ी सरलता पूर्वक किया जा रहा है। मात्र 3 घंटे का समय चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए, घर का एक व्यक्ति साथ में हो तो बढ़िया है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्यों सुनना बहुत बड़ी बात है, सुन के कान को यूजर फ्रेंडली बनाना उससे भी बढ़िया बात है। कान मनुष्य जाति के लिए बहुत ही अनमोल धरोहर है। कान और कान इंद्रिय जो है उसको सुधारना संभालना बहुत ही आवश्यक है। आज के युग में मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कान का ही नुकसान कर रहा है, आंखें और कान दो चीज का नुकसान कर रहा है। सुनने की क्षमताएं प्राय प्राय व्यक्तियों की टूटती जाती है, बहरापन खूब बढ़ रहा है। सभी उम्र के सभी प्रकार के लोग मेरे पास में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। जन्म के बारे बिचारे हैं इसलिए कि भाई उनको मालूम नहीं क्या हुआ है, परंतु जब बड़े होने के बाद में बहरापन आता है तो उनको मालूम पड़ जाता है कि क्या कान से आया है। सर्दी लगी थी, दवाइयों की साइड इफेक्ट हो गई, या अचानक बहरापन आ गया है, खान पान से हुआ। आजकल खान पान का बड़ा रंगा है, पैक फूड का बड़ा रंगा है, बाहर खाने की आदत है। प्राय प्राय लोगों ने देखा कि बहरापन का कारण दवाइयों की साइड इफेक्ट से ज्यादा है, मोबाइल से बहुत ज्यादा है, टीवी मीडिया से बहुत ज्यादा है। अत्यंत दिन भर टीवी के कान लगा के सुनना, दिन भर वीडियो देखते रहना, दिन भर मोबाइल करना, ये प्राय प्राय कान को नुकसान पहुंचाता है। वैसे तो मैंने देखा कि इतना बुरा प्रभाव इनका नहीं है, पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अस्थि प्रभाव जो है छोटे बच्चों को, जब माँ बाप डर करके उसको जॉन्डिस हो जाने के भय से उनको पेटी में रखते हैं, तब वो बच्चे जो बहरे होते हैं वो हमारे सिवाय कोई भी नहीं ठीक नहीं कर पा रहा है। और यही कहते हैं नशे सूख गई है, हम कहते हैं नशे सूखती नहीं है, नशे सूखेगी तो 1 घंटे में हम कैसे प्रतिदिन लोगों को ठीक कर रहे हैं। जो बिल्कुल बहरे थे वो कैसे सुनने लगते हैं, बढ़िया सुनने लगते हैं। नशे सूख जाने से आया हुआ बहरापन का मतलब है इन लोगों का तकिया कलाम वर्ड है नशे सूख गई है, परंतु सचमुच हमारे हिसाब से तो कान उन नसों के ऊपर आधारित नहीं है। कान कोई ट्यूब नहीं है, कान एक सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के रिपेयरिंग होना जरूरी है। कान के लिए ये मानना कि ये ट्यूब है यह बड़ी बड़ी भूल है। कान ओकलने के बाद में मेमोरी, मेमोरी के बाद में कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के बाद में सब मेमोरी, सब मेमोरी के बाद में वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के बाद में शब्दों का उच्चारण, उच्चारण के बाद में शब्दों का बढ़िया निर्माण। जो भाषा बोलना सीखेंगे उसी भाषा में आपको अर्थघटन करना आ जाएगा। गुजराती बोलने वाले गुजराती में बढ़िया बात समझ पाएंगे, हिंदी बोलने वाले हिंदी, जापानी जर्मनी में, जर्मन बोलने वाले जापानी बोलने वाले, अपन अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग ढंग से है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कान पूरी की पूरी फिलोसॉफी है। कान के द्वारा हम फिलोसॉफी सुन करते हैं, कान के द्वारा हम भाषण करते हैं, कान कान है तो हम बोलते हैं, सुनते हैं, कहानियां करते हैं, कथाएं करते हैं, कथाएं सुनते हैं, कविताएं करते हैं, कविताओं का भाषण करते हैं, अपने आदेश देते हैं, बोल के मधुरता रखते हैं। आपको मालूम है ज्यादा से ज्यादा डिवोर्स जो है वो बोलने पर आधारित है, अपने कटुता के कारण से, कटु वाणी के कारण से, और उसका संबंध कान नहीं है, उसका कारण मन है, परंतु माध्यम कान हो जाता है। कटु शब्द सुना, मेरे पति ने मुझे यह कह दिया इसलिए मैं साथ नहीं लड़ना चाहता, मेरी पत्नी ने मेरे बारे में यह कहा, मेरी इंसल्ट की, वो सब कान के ऊपर आधारित है। कान और मन और तन सब कुछ को साथ में मिला के समझे तो मालूम पड़ेगा कि हमें जो भी विश्व का जो विकास मिला है, ऊपर से जो शक्तियां बढ़ रही है, संसार हमें जो मिल रहा है, पूरी दुनिया हमें सपोर्ट कर रही है, वो सब कर्णेंद्रिय के कारण से है। एक ग्रंथियां भी है, मनोग्रंथि है, विचार ग्रंथि है, सोचने की अभिव्यक्ति है, समझने की अभिव्यक्ति है। मनुष्य यह सोचता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोल दिया चल गया, हर वाणी का प्रभाव है। पिताजी कहते थे कि ब्रह्मांड के अंदर आपने एक शब्द बोला है तो उसका प्रभाव एकदम पानी में भेजे हुए पत्थर की तरह है,
उसके तरंगे फूटने लगती है। हे प्रवीण, जब भी बोलो तो बढ़िया बोलो, अच्छा बोलो, सोच के बोलो और दुनिया के जन कल्याण के लिए बोलो। मैं जब छोटा था तो मुझे कविताओं कविताएं करवाते थे, भाषण दिलवाते थे, मुझे समझाते थे कि बेटा काम बहुत अनमोल धरोहर है। मुझे मालूम नहीं था कि विश्व के कल्याण के लिए मैं कभी इतना बड़ा योगदान दे पाऊंगा। आज जो भी संसार के अंदर बढ़िया ज्यादा से ज्यादा तकलीफ है, वो काम के बारे में, किसी का काम बह रहा है, किसी के कान में पर्दे छिद्र हो गए हैं, किसी के कान में सड़ान हो गई है, किसी की हड्डियां गल रही है, किसी को मीनियो डिजीज हो गया, चक्कर आ रहे हैं, और चक्कर तो चक्कर ऐसी आ जाते, टीनिटस हो जाता, आवाजें आती है तरह तरह की, और इतने दुखी हो जाते हैं कि वो सुसाइड करने की टेंडेंसी भी हो जाती है। उन सबको हम घंटों में ऐसी रिलीफ करवा देते, ऐसा आराम दिलवा देते, सुनने की क्षमताएं बढ़ने लगती है, मीनियो डिजीज में 99% परिणाम आ जाते हैं। उसी समय बैरा वो आदमी जो कान में चिकचिक करते हैं आवाजें, वो कम हो जाती है, बिल्कुल मिट जाती है। हमारा प्रयत्न रहता है कि उसी समय वो कान के जो रोगों से मुक्त हो। देखिए, कान मनुष्य जाति की अनमोल धरोहर है। आज विश्व के अंदर जितने भी प्राणी है उनके पास में, सबके पास में कान है, पर मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बोल सकता है, समझ सकता है, अपनी बात बता सकता है। क्यों? कि उसके ऊपर ट्रेनिंग है, हमारी धरोहर है, युगों की धरोहर है, तो युगों की परंपरा है। मनुष्य को ऐसा ट्रेन किया गया है कि वो अपनी बात अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को सुधार सके। पूरी की पूरी जनरेशन, मतलब कि आज मैं देख रहा हूं कि किसका प्रभाव ज्यादा है जो बढ़िया बोल रहा है। मैंने देखा कि आज के बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूं कि बहुत बढ़िया ढंग से भाषण देने वाले एक व्यक्ति है, उनका नाम है श्रीमान मोदी साहब, क्षमा करिएगा मैं उदाहरण दे रहा हूं। दूसरी तरफ कटुता से भरे हुए शब्द मोदी साहब के विषय में केवल कटुता उगाते रहते हैं बदोल बहन भाई। मतलब जब देखो वो मोदी जी का नाम लेकर की गंदी बात बोलते हैं, वो देश की बात नहीं बोल रहे हैं, वो संसार के कल्याण की बात नहीं बोल रहे हैं, वो सारा का सारा राजनीति अखाड़ा बनाना चाहते हैं भाषण करके, गंदी बात बोल करके, मोदी जी ऐसे है, मोदी जी ऐसे है। और उनको मालूम नहीं है कि मोदी जी की वो नख की भी होड़ नहीं कर सकते। वो एक व्यक्ति है जो कभी भी किसी भी स्वार्थ के बिना एकदम निर्लिप्त होकर न्यूट्रल ढंग से काम करता है। मैंने देखा इन दिनों में उन्होंने कटुता भरी राजनीति छोड़ दी है। ऐसी अभी कांग्रेस वाले ने क्या किया है, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए। आज उन्होंने क्या किया कि पार्टियों के साथ भी तोड़फोड़ किया, मिलाई जुलाई, इसका प्रभाव पड़ रहा है। हमें पहले कांग्रेस के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, हमारे पास में कांग्रेस के नाम पर गांधी जी थे, गांधी जी के बाद में नेहरू जी थे, और बहुत से व्यक्ति थे, हमने उन्हें आदर्श देखे। और अब जो हम लोग कांग्रेस को देख रहे हैं उसके अंदर घृणा, द्वेष और राजनीति भरी हुई है, ऐसी कटुता भरी हुई है जो दुख हो रहा है। खैर, मैं विषयांतर तो हो रहा हूं पर विषयांतर नहीं हूं, मैं विषय नहीं हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि वाणी का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। आप बढ़िया बात बोलते हैं तो लोग बढ़िया बात सुनते हैं, मधुरता से कहेंगे, अच्छी बात बताएंगे तो लोग सुनेंगे। यदि उद्वेग कौन आदमी उनको गाइड कर रहा है, जब भी भाषण देते हैं प्रहार की भाषा में होता है, जैसे आक्रोश भर गया है, गालियां निकालते हो, गंदी बातें बोलते हो, झगड़ा कर रहे हो, खा जाएंगे, वो केवल मोदी जी को एकदम नोचते रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि नोचते नहीं है, वो उनका ही प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं कि वो महान व्यक्ति सही है, युगों के बाद में बहुत बढ़िया व्यक्ति हमें मिला है, सोच मिली है। अब मैं ज्यादा इस विषय में कहूंगा तो मुझे समझेगी कि राजनीति का आदमी लगता है, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूं, पर मैं इतनी बात जानता हूं कि आजकल जो मीडिया पर जो लोग हावी हो गए हैं वो कटुतापूर्ण वातावरण बनाने के लिए हावी हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि भाई अपनी महान परंपरा को, कांग्रेस की परंपरा को ढंग से संभालो। नोचने से राजनीति में नहीं जीतोगे,
जीतोगे अच्छे कार्य करने से। खैर अभी फिर से अपने सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। तो कान और मन और वाणी का संबंध कुछ ऐसा है कि वो समझने जैसी बात है। मन में कटुता आई तो गंदी भाषा बोलेंगे, मन में कटुता आई तो गालियां बोलने लगेंगे, तो दूसरे सुनेंगे तो उसका प्रति प्रभाव गलत होगा। हमारी पास में अब जो कार्य रह गया है वो जन्म के बहनों बच्चों को ठीक करना सुनवाना तो है ही, पर तो हमने प्रतिज्ञा की है कि बड़े लोगों को भी बढ़िया ढंग से सुन पाए, कान को आराम से काम में यूजर फ्रेंडली बनाए, उनको कम सुनते हो तो बढ़िया ढंग से सुने, एक कान बंद है तो उसको ठीक करवाए, दूसरा कान बंद है तो उसको ठीक करवाए, कान में आवाजें आती है तो उसको ठीक करवाए, चक्कर आते हो, सर्दी लग गई हो, कान के अंदर कान के संबंधी कान या कुछ भी नहीं, आपके शरीर में हम करते हैं रोग का नाम कुछ भी वो हो, आपको क्या हुआ है हमें बताइए, हम आपको रोग मुक्त करेंगे। क्योंकि हमने साथ में होम्योपैथी मित्रों को बनाया है, मैं होम्योपैथ हूं, मेरी रिसर्च कंडीशन के साथ में हमने होम्योपैथी दवाइयां साथ में मिलाई है, होम्योपैथी डॉक्टर्स को बुलाया है, क्योंकि वो लोग बड़ी ढंग से सपोर्ट पे सोच सोच करके ऐसी मेडिसिन ऐसी दवाइयां होम्योपैथी देते हैं जिसके ऊपर मन पर तन पर प्रभाव पड़ता है। मेरी जो रिसर्च मेडिसिन है उसमें एक घंटे में काम दरवाजा खोलने की तरह है, दरवाजा बंद है आपने खोला तो रहने जैसा बनाना पड़ेगा। मैंने दवाई डाली कान में चालू हो गया, कान सुनने लगा, सुनना बड़ी बात है पर कान को सुन के कान को काम में लेना वो बहुत बहुत बड़ी बात है। इसलिए हे मित्रों हड़बड़ाइए नहीं, ऐसा जादू समझ के मत आइएगा, आपको यहां इसलिए आना है कि कान के साथ में तन मन को भी ठीक करना है, आत्मशुद्धि भी जरूरी है। आप कहेंगे कहां की बात कहां गया है, अरे आत्मा के साथ में भी कान का संबंध है, नहीं मानते तो मत मानिए, आपका समझ में आ जाएगा। एक सुंदर सी कविता सुनिए आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, आप बढ़िया भाषण सुनिए आपका मन परिवर्तन हो जाएगा, ये सब कान के ऊपर आधारित है। हे मित्रों मैं सभी विश्व के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि गंदी वाणी ना बोले, ऐसी गंदी राजनीति न करें जिससे गलत लोग अच्छे लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता हो। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि ये कैसे लोग थे, इतना अभद्र व्यवहार, इतनी कटुता, इतना आक्रोश। एक एक मैं कल सुन रहा था सोनिया जी के बच्ची के भाजन के बैठी बेटी के बारे में वो बोल रही थी और एक शब्द के विषय में मोदी जी बोल रहे थे, मोदी जी ऐसा बोले, मोदी जी ऐसा करें, मोदी अरे तुम्हें क्या भूत हो गया, क्या भूत चला गया है क्या? कोई भी व्यक्ति है संसार में वो अकेले आदमी को टारगेट करके क्या होगा? यदि ये सिद्धांत है, आज मोदी जी है तो ये सिद्धांत ऐसी बात नहीं है, ये सिद्धांत तो मोदी नहीं होंगे तो भी होगा, मोदी होंगे तो भी होगा, मोदी जी यदि कहीं चले गए तो भी सिद्धांत बनने होते हैं। यदि आप सिद्धांतों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वेग और आवेश बंद करें, करुणा और प्रेम की राजनीति लाएं, आप करके तो देखें, बढ़िया बोले, कोई भी जीते कोई भी हारे, प्रश्न ये नहीं है। राजनीति में इस चीज का बड़ा प्रभाव है कि हमारे ऊपर कैसा नेता आ रहा है, कैसा व्यक्ति आ रहा है, हमें वो क्या देना चाहता है। आज हम सरदार पटेल जी को क्यों याद कर रहे हैं, हम गांधी जी को क्यों याद कर रहे हैं, हम मुरारजी भाई को याद क्यों कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को? मैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भाषण सुनता था, वो एक बार घूमते थे एक भाषण को देते थे पूरी पूरी बाजी बदल जाती थी, वहां के वोटर्स बदल जाते थे, वो कभी भी कटुता या उद्वेग आवेश में भाषण नहीं करते थे। क्या उनके राइडर नहीं थे? क्या इंदिरा गांधी के राइडर नहीं थे? क्या इंदिरा गांधी गालियां निकालती थी? अरे इंदिरा गांधी को ज्यादा गालियां निकालने वाले थे वो, उनका प्रचार करते थे उल्टा, वो लोग जानते थे कि ये गाली ऐसी उनके लगती नहीं है, उनके लिए नहीं बोला जाए। खैर मैं समय विषयांतर नहीं हो रहा हूं, फिर भी निवेदन करता हूं कि कान हमारे लिए बहुत ही अनमोल धरोहर है, कान को संभाल के रखें, बढ़िया बातें सुनी, बढ़िया भाषण सुनी, बढ़िया कविताएं सुनी, बढ़िया साहित्य पढ़ें, बढ़िया भाषण सुनते सुनते भी बढ़िया लोगों से संपर्क रखें, अच्छे रहेंगे तो अच्छी बात बनेगी और अच्छे रहने के लिए अच्छा काम जरूरी है। फिर से मैं आ जाता हूं कि नशे छूट जाने से आया हुआ कान का तमाम प्रकार का बहरापन
अब बिना मशीन बिना ऑपरेशन के मिटा के शून्य की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। यह बात पक्की है कि बैरापन जैसा कोई रोग होता नहीं है। यदि होता तो हमको जादू थोड़ी कर रहे हैं, एक घंटे में काम ठीक कर देते हैं, दूसरे घंटे में दूसरा काम भी शून्य लगता है। इसका काम या तो रस्सी सूखती है, यह रस्सी सूखने वाला फंडा आया कहां से? कैसी गंदी बात लिखते हैं लोग, इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे को देखा दिया कि मशीन सूखी है, जन्म नहीं सुनाई देगा, मशीन नहीं ऑपरेशन करा, सर्जरी करा, अरे उसके अलावा भी तुम्हारे पास में कुछ है? एम्स में जाते हैं, बोले कि साहब बोले खाली टेस्टिंग की है वहां पर, उनके पास में कोई मेडिसिन कोई दवाइयां कोई पूरे मेडिसिन नहीं है। देश की इतनी बड़ी संस्था होकर के ये बात अच्छी नहीं है। डॉक्टर के लिए हम कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि डॉक्टर ने अपने स्वार्थ के कारण से कर दिया होगा। एम्स जैसी संस्था में यदि इस दल का बात करें लोगों को कि नशे सुन रही है, इस दल में सुनाई नहीं देगा, तो कहीं भी जा और वही व्यक्ति घंटों में ठीक होते हैं। ऐसे ही वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं। खैर, बातें बहुत करनी है, दिल की बातें की है मैंने आज। मेरा कोई भी राजनीतिक प्रयोजन नहीं है, किसी की प्रशंसा या किसी को उतारना नहीं है। मैंने यह कहा है कि कान का गलत प्रयोग करने से, गलत वाणी बोलने से, गलत ढंग से बात समझाने से अब उसका दुरुपयोग होता है और पूरी की पूरी मनुष्य जाति के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। कटुता पूर्ण व्यवहार संसार के लिए अभिशाप है, प्रेम पूर्ण व्यवहार संसार के लिए अमृत के समान है। कटुता बंद करिए, प्रेम पूर्ण लाइए, सौहार्द लाइए। और हमारे देश में हम लोग बड़ी आशा कर रहे हैं, लोगों से बड़े बड़े अच्छे लोग मानते थे कि लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं, पर इनकी समझदारी कहां गई? इनकी बातों में प्रेम क्यों नहीं रहा, करुणा क्यों नहीं रही, स्नेह क्यों नहीं रहा? केवल आक्रोश, केवल राजनीति, केवल कटुता, केवल गालियां, केवल झगड़े, केवल लांछन, ये कितनी बुरी बात है। देश की प्रगति के लिए बात करिए ना, विश्व की प्रगति के लिए बात करिए ना। जिसको सोचना सोचेगा, क्या करें, हवाएं कुछ ऐसी चल रही है जो हमें गलत मार्गदर्शन दे रही है, गलत दिशाएं दे रही है। हमसे निवेदन, आप लोगों से सबसे निवेदन है कि गलत भाषण न सुने, झूठ बातों के अंदर इन्वॉल्व ना हो, झूठे भाषण न सुने, गलत बातों से इन्वॉल्व ना हो, अपने आप को बचाइए जितना बचा सके, क्योंकि उसका असर मन पर तन पर विचारों पर होता है। आपकी नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ रही है, आपको मालूम है, यदि आदत पड़ गई आपको आवेश करने की तो नेक्स्ट जनरेशन भी यही करेगी, लड़ती भी पैदा होगी। छोटे बच्चों को देखा लड़ते भिड़ते ऐसे करते हैं फिर खा जाएंगे, वो सब प्रभाव माँ बाप से, संसार से, और क्या बोलते हैं आज तो पूछिए मत, मीडिया इसमें कलाकार हो गया, ऐसे गंदे गंदे सीरियल बना रही है कि जिसका दुष्प्रभाव हमारे पर पड़ रहा है। शराब, कटुतापूर्ण व्यवहार, मार पीट, बस कुछ कहना नहीं चाहता। हम तो कहते हैं, निवेदन यही करते हैं कि कान को बचाना है तो अच्छी अच्छी चीजें लाइए, अच्छे विचार लाइए, अच्छा सोचिए, मधुरता से बोलिए, मधुर व्यवहार करिए, बढ़िया दवा और नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रयोग करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी दवाइयां ऐसी मत लीजिए जो बहुत ज्यादा मतलब की खराब हो, जो आपके तहन को, आपके कान को बिगाड़ दे। ऐसी माइल्ड मेडिसिन होती है, ट्रीटमेंट होती है, घर के तो इलाज होता है। आज ही पंडित जी बता रहे थे, हमारे एक मित्र है, कि पंडित जी सुबह सुबह खीरा खाने से पेट जो खाए खीरा उसका बिल्कुल खीरा मतलब पेट साफ हो जाता है, किडनी की पथरियां वगैरह निकल जाती है, किडनी को साफ करना बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने कहा पंडित जी आपने कहां से सोचा? बोले बढ़िया सोच से सब अच्छा मिलता है। वो कह रहे थे कि आपके काम के बारे में सुन के बड़े गदगद हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। खैर, मैं अपनी बात पर वापिस आ जाता हूं। यदि कान बचाना है और संसार में आगे बढ़ना है और मनुष्य जाति का उत्थान करना है तो गलत मत सोचो, गलत मत बोलो, गलत देखो मत और गलत काम में सहयोग मत रखो। मैं अभी भी आश्चर्य कर रहा हूं कि यदि कुत्ते को बोलना सिखा दिया जाए तो कितना दुख उगलेगा, वो अपनी कितनी व्यथा बताएगा कि मेरे को मेरे साथ क्या किया ईश्वर ने।
जानवरों को भी बोलना सिखा दिया जाए, भाषा दी जाए, तो उनकी दुख भरी वाणी और व्यथा देख करके मनुष्य घबरा जाएगा, पूरा संसार हिल जाएगा। मैं कहता हूं एक काम करिए, मकड़ी को बोलना सिखा दीजिए, मकड़ी को बताइए कि क्या करना चाहती है, तो आपके उसके जीवन के देख करके आप घबरा जाएंगे। तो मनुष्य को भगवान ने बड़ा सेफ रखा है, केवल वाणी का, मधुरता का, अच्छा व्यवहार करने का अधिकार दिया है। तो हे मित्रों, ये समझ लीजिए कि आप कल्पना कर लीजिए, बंदर को बोलना सिखा दीजिए, क्या हो सकता है, कल्पना करें वो क्या क्या बताएगा आपको, कहां कहां देख के आया, क्या क्या किया, कैसे बोल रहा था, किसने चोर देखे, कितने बदमाश हो रहे थे, कौन अच्छा कर रहा था, कौन बुरा कर रहा था। कभी कभी प्रकृति अच्छा करने सोचता हूं कि भगवान ने प्राणियों को क्यों नहीं बोलना सिखाया, कान दे दिया है, सुन रहे, देख रहे, पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते क्योंकि कान नहीं है। हे मित्रों, अपने कान को सुरक्षित रखने के लिए और मनुष्य जन्म को बहुत बढ़िया बनाने के लिए कान को संभालें और करोड़ दूरसंवाणी केंद्र में हमारी वैकल्पिक चिकित्सा का प्रयोग करें। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है, मात्र 3 घंटों में हम पेशेंट को छुट्टी दे देते हैं। प्रणाम, और कोई क्षमा करें बोलने चाहने में हुई है तो, मैं विश्राम कर गया हूँ तो मुझे क्षमा करें, परंतु कान को संभालें, कान के बारे में सोचें, कान मन और तन का संबंध बहुत गहरा है। प्रणाम।